सो हाय गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे पापा की जगह आज मैं व्लॉग कर रही हूँ चॉकलेट के साथ। तो दोस्तों, क्रिकेट खेलने के बाद अब हम पहले गए मार्केट, क्योंकि कुछ बैलून तो घुसा। अरे भाई, दोस्तों नए दिन की शुरुआत। आज है 22 जनवरी, आज है इशिता का बर्थडे। फाइनली वो दिन आ गया जब इश्ता का बर्थडे आज है। आज इश्ता का क्या प्लान है, इश्ता बताएगी आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्र कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी इश्ता आज का ये ब्लॉग अपने शुरू करेगी, आपको लेके जाएगी अपने फ्रेंड के यहाँ। किसके यहाँ जाएगी वो इश्ता भी बताने वाली है अभी आपको। तो दोस्तों, ये है इश्ता का फर्स्ट लुक। हाय गाइस, हैप्पी बर्थडे इश्ता। थैंक यू पापा। कैसी लग रही है मेरी डॉटर, मेरी इशिता, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो हाय गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे पापा की जगह आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पापा के साथ। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड है काशवी, उसके घर जा रही हूँ। उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है मेरे लिए, स्वीट 16 है मेरा। तो हम जा रहे हैं और मैं वहाँ पे भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि उसकी फैमिली के साथ भी मिलाऊंगी, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं उनसे ही मिलाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सो देखते रहिए मेरा बर्थडे व्लॉग। और अभी से लाइक का बटन दबा दो, और क्योंकि अच्छा भी व्लॉग बहुत बनने वाला है तो देखते रहिए। सो हाय गाइस, तो मैं पहुँच चुकी हूँ काशी के घर। सो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है वंश गर्ल, और ये पीछे आ रहे हैं। सो ये केक मंगाया है वंश और काशवी, दोनों ने मिलते हैं। थैंक यू गाइस। मिल गए, मिल गए, काशवी काशवी मिल गए। ये आप दुकान दे। तो दोस्तों, इश्ता को छोड़ के मैं आया जनकपुरी सीवन में। यहाँ पे चल रहा था क्रिकेट, और हम खेलने वाले क्रिकेट, मैं कर रहा हूँ बैटिंग और कभी कर रहे बॉलिंग। ये तैयार है बॉलिंग के लिए। तो दोस्तों, क्रिकेट खेलने के बाद अब हम पहले गए मार्केट, क्योंकि कुछ बैलून तो सभी ने तैयार कर दिए थे, और मार्केट से हम ये और ले गए सामान कुछ डेकोरेशन का। अब शाम को उसके बाद इश्ता का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं सीवन में, और ये सारी तैयारी हमारे तवनीत सिंह की, ऑलराउंडर हमारा, ये इस सब में हर चीज़ में एक्सपर्ट। ये अभी हम इसको ये करने वाले हैं, सब तभी करेगा ये सारे काम, और उसके बाद यहाँ पर सारा ये डेकोरेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये सिम्बा भी बैठा हुआ है आराम से। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ, सिम्बा ने ये डेकोरेशन का एक पैकेट ले लिया अपने कब्जे में। अब ये छोड़ नहीं रहा, अगर खींचते हैं तो ये काटता ही है, और अब इसको लालच दिया जा रहा है खाने का कुछ रस का, लेकिन अभी इसका मूड नहीं लग रहा छोड़ने का। भाई छोड़ दे सिम्बू, छोड़ दे यार, छोड़ दे, ऊपर लगाएंगे। अब छोड़ दे, अब छोड़ेगा, दूर करना तभी तो जाएगा वहाँ पे। वो दूर भी तो थोड़ा सा और ले, कुछ और ले गया जो क्या जिससे अट्रैक्ट होता है वो। इसको कुछ भी नहीं, जब कोई चीज हो तो हिलेगा भी नहीं, हल्का सा भी बनता भी कैसे, हार्ड बोर्ड के हाथ में दे देगा वो। नवीन वो बड़ा वो कर रहा है अपने कब्जे में, छिन छिनवा अभी तक नहीं छोड़ा है सिम्बा ने पैकेट, और अभी इसको लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है ले ये कि कुछ खाए और छोड़े। ये अभी भी देखो, इसके एक पैर के नीचे ये पैकेट पड़ा हुआ है, ये हमने वापस लेना है इसे, और मेरे को गुस्से में देख रहा है ये। और अब इसके लिए नवी लेके आया डंडा, अभी डंडे से क्या करेगा कैसे करेगा अभी देखते हैं। गुस्सा
ले जा ले जा जा अपने बर्स में खा नहीं है ऐसे इसको उधर लेके जा ले लिया ले तो पैकेट हम लेने में कामयाब। तो दोस्तों वहाँ से रस खाने के बाद सिम्बा आ गया कभी के रूम में और ये अपनी जो रेगुलर जो खाता है बोन वो अब खाने में लगा हुआ है, बिजी है ये, इसमें बिजी हो गया। और कभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी रिव्यू वाली उसको हम एडिट करने वाला है, कभी अपनी तैयारी कर रहा है ये एडिटर साहब हमारे। दोस्तों डेकोरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, तभी ने डेकोरेशन करना शुरू कर दिया है। और अब ये यहाँ पर ये बैलून पंप से एयर भर रहा है इसमें, स्पेलिंग में बैलून तो पूरे हो चुके हैं लगभग, और साथ में बड़ी भाभी ये भी वो हेल्प कर रही हैं। दोस्तों एक लाइक कर देना तभी के लिए और भाभी के लिए, देखो कितनी मेहनत हो रही है। बैलून अभी भी बैलून का काम चल रहा है, पंपिंग का खत्म हो गया वो दे, ये साथ साथ फट भी रहे हैं। हैप्पी बर्थडे वाला ये पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, अभी डेकोरेशन का भी काम अभी थोड़ा सा रह गया था। और बाहर वेदर देखिए, वेदर कितना अच्छा अच्छा, तो मतलब ठंड है लेकिन हवा भी चल रही है अभी आज, क्योंकि सुबह कल रात को बारिश हुई है तो मौसम काफ़ी ठंडा भी हो चुका है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया था जनकपुरी से विकासपुरी शाम को, और अब मैं यहाँ से तैयार होकर हम लोग निकल रहे हैं जाएंगे जनकपुरी सीवन अपने घर, और वहाँ पर रिश्ता का बर्थडे दोबारा सेलिब्रेट होगा। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, वीडियो और अभी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों हम रिश्ता को लेके आ चुके हैं और साथ में शीता की फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड ये भी आए हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए, और साथ में ये सिम्बा भी ये भी मिलने के लिए तैयार। दोस्तों घर पे आने के बाद हम इंजॉय कर रहे हैं भाभी के हाथ के लड्डू विंटर स्पेशल। कैसे और यहाँ पे दोस्ती हो चुकी है सिम्बा की और काशवी की, फाइनल टच देता हुआ तभी डेकोरेशन को। तभी कितनी देर लगी और दो मिनट तो अब आ चुके हैं नमन और हर्षिता। हेलो एवरीवन, तू पीछे कर रहा है सिम्बा सबसे मिलता है सिम्बा बोले। तो दोस्तों खाना तैयार हो गया, पहले पाव भाजी और खाने के लिए हर्षिता तैयार। क्या हुआ शुरू कर, अच्छा शुरू करो, टच वुड की बात का, शुरू करो, अच्छा शुरू करूंगा टच वुड, नहीं नहीं टच वुड नहीं बोलेंगे। चंदमन तू भी बैठ, मैं लेता हूं बाबा। हेलो 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 जी, इतनी पहले ही मैंने खेल लिया
तो दोस्तों हम आ चुके हैं जनकपुरी से, सीवन से, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद थोड़े से लेट हो गए, थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब हम वीडियो को अभी एंड करते हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑल को बटन दबा के रखना ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।